उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आजाद समाज पार्टी ने पांच सूत्री मांग को लेकर दिया ज्ञापन। बताते चलें, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि उनकी मांग को लेकर जल संज्ञान लेकर सरकारों द्वारा इसका अनुपालन कराया जाए। पहली मांग 55% ओबीसी जाति, पहले 70% आरक्षण मिल जाता था। 1992 सुप्रीम कोर्ट ने 50% निर्धारित किया। 2019 में मोदी सरकार ने सवर्ण को जस्टिस दी, आरक्षण दे दिया। इसको लेकर आज उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम डॉक्टर दुर्वेश अली अंसारी और मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम बरेली का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से पांच सूत्रीय ज्ञापन पूरे हिंदुस्तान के अंदर देने का आह्वान किया गया है। वो पांच सूत्रीय मांग इस तरह से हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाए। इसी जातिगत जनगणना को इस समय बिहार में लागू कर दिया गया है। जिस तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को 10% EWS के माध्यम से कोटा दिया जा रहा है, उसी तरीके से OBC के लोगों को भी, जिनकी भागीदारी 50% है, 27% उन्हें कोटा दिया जाता है, 15% एक्स्ट्रा कोटा EWS की तर्ज पे दिया जाए। SC ST के लोगों की तादाद इस हिंदुस्तान के अंदर 20% है और जिन्हें 22.5% कोटा दिया जाता है और इन्हें भी EWS की तर्ज पे 5% एक्स्ट्रा कोटा दिए जाने का काम किया जाए। लगातार लोग जो गरीब हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये ठेकेदारी की प्रथा में कहीं भी आरक्षण का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो हमारी एक लास्ट मांग ये भी है कि जब भी ठेकेदारी की बात इस हिंदुस्तान के अंदर हो तो इसमें OBC SC ST के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी उसी आरक्षण के माध्यम से दी जाए, जिससे कि दबे कुचले लोग, शोषित वंचित लोग भी आगे आकर के समाज में अपना प्रतिनिधित्व शामिल कर पाएं। वहीं आपको बताते चलें, थाना भित्री चैनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में कोकसी करने के रोकने उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए रात्रि गश्त की जा रही है। इसमें सुबह 4:25 से पुरनापुर मोड़ पर तीन व्यक्ति एक गाय को खींचकर ले जा रहे थे, रोकने की कोशिश की गई। जान मारने की नियत से उन्हें पुलिस पर फायर कर दिया। फरवरी 2023 को थाना भित्री चैनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में गौकशी को रोकने और उसको नियंत्रण करने के लिए प्रभावी फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त की जा रही थी। तो तकरीबन सुबह 4:30 बजे पुरनापुर मोड़ पर तीन व्यक्ति जो कि एक गाय को खींचकर ले जा रहे थे, उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर उन व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की गई और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए दो व्यक्ति उसमें से फरार हो गए और एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है, जिसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाकी दो व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार हुए व्यक्ति का नाम आरिफ है, जो कि बूढ़ा थाना भोजीपुरा का निवासी है। इस पर विगत में भी तीन गौकशी के मुकदमे पंजीकृत है और अग्रिम कार्रवाई इस सारे प्रकरण में की जा रही है। वहीं आपको बताते चलें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रोडवेज बसों का 25 पैसा बढ़ाने का किया विरोध। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्रीय बजट के जनविरोधी प्रविधान और भाजपा प्रधानमंत्री के चहेते प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के हमलों घोटालों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मांग की। रोडवेज की बसों में 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए जाने का विरोध किया। आर के तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। राजेश तिवारी एडवोकेट। हमने केंद्रीय बजट के ऊपर मांग पत्र सौंपा है कि जिस बजट जो है जनविरोधी है, इसमें किसानों, मजदूरों और कामगारों के लिए कोई बजट नहीं रखा गया है। शिक्षा का बजट घटाया है, मनरेगा का बजट घटा दिया है, स्वास्थ्य चिकित्सा का बजट घटा दिया है और जो पूंजीपति है अडानी, जो 609 नंबर पर था और वो 9 साल के भीतर जो है दूसरे नंबर पर दुनिया का अमीर पति कैसे बन गया है, तो इसमें सरकार और इन, मैं तो कहूँगा मोदी और अडानी, इनका गठजोड़ है और इस गठजोड़ के माध्यम से इन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया। LIC और SBI की बैंकों का तमाम पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा करके उसको हड़प करने की योजना बना रखी है और ऐसा किया है इन्होंने। इसलिए हमने मांग रखी थी पार्लियामेंट में सभी विपक्षी दलों ने कि इसकी संयुक्त संसदीय जांच समिति से इसकी जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो वो की जाए।
लेकिन नहीं, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा दिया रोडवेज का, 18 बसें उनमें यात्री यात्रा करने से बचते हैं, एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं, पुरानी 18 बसें हैं, लेकिन किराया बढ़ा करके अपना जेब अपना खजाना भर रही है गवर्नमेंट। इसका भी हमने मांग पत्र सौंपा है राष्ट्रपति महोदय के, ये कार्रवाई उनको करना है। वहीं बता दें कि फर्जी मुकदमा लिखवाकर ब्लैकमेल करने वाली महिला के खिलाफ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ित ने की शिकायत की मांग। पीड़ित का कहना है कि महिला पहले भी ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए ऐंठ चुकी है, 5 लाख रुपए लेने का दबाव बना रही है। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पीरभौड़ा निवासी सईद खान का कहना है कि बीते वर्ष अक्टूबर माह में उसके मोहल्ले की रहने वाली महिला ने उसके खिलाफ थाना इज्जतनगर में 376, 303, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, 2 लाख की रंगदारी की मांग भी की थी। मेरा नाम मोहम्मद सईद खान है। बताइए क्या मामला है। मामला ये है कि मुझ पे पीरभौड़ा निवासी इशरत बी सन ऑफ सफरुद्दीन ने मुकदमा लिखवाया था 76 का, 323, 76, और उसमें जो है निर्दोष झूठा मुकदमा मुझ पे लिखाया गया, जिसकी कार्रवाई हुई, उसके बाद में निर्दोष पाया गया मैं, उसके बाद मुझसे 2 लाख रुपए लिए। फिर अब दोबारा मेरी शादी का टाइम है, 5 से 6 दिन रह गए हैं शादी के, अब दोबारा से फिर मुकदमा लिखवाना चाह रही है मेरे ऊपर और धमकियाँ दे रही है मुझे कि मैं मुकदमा लिखवा दूँगा, अब 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है सर। इसको शादी नहीं करना चाहती, उसने तो मेरे ऊपर 76 का मुकदमा लिखा दिया, फिर मुझसे 2 लाख रुपए भी ले लिए जिसमें मैं दोषी नहीं पाया गया। अभी वो अब दोबारा पैसे हड़पने की वजह से मुकदमा लिखवा रही है। मैं पीरभौड़ा का रहने वाला हूँ, वो भी पीरभौड़ा निवासी है, थाना इज्जतनगर। मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने कप्तान सर को भी इसकी कॉपी दी है, मैं ये चाह रहा हूँ जो अब मुझ पर दोबारा कार्रवाई ना की जाए। वहीं बताते चलेंगे, पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने बहू को बच्ची के साथ घर से निकाला। थाना कुड़िया के ग्राम जबेदा की रहने वाली ममता ने शिकायत की कि उसकी शादी गांव में रहने वाले हरिओम पुत्र राम कुमार के साथ रीति रिवाजों के मुताबिक 2019 में हुई थी। घरवालों ने मांग के अनुसार 5 लाख की नकद और 5 लाख का सामान दिया था। शादी के बाद से ही ममता कुमारी ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। पुत्री का भी जन्म नाम लवी शुरू कर दिया। बच्ची का नामकरण था, उसके मां के से आया कुछ सामान ससुराल वालों ने फेंक दिया। ममता के पति ने उसकी हिम्मत बनाई, समझाया और ठीक हो जाएगा, तभी थोड़ा 2002 में ममता की मृत्यु हो। उसके पति के 2 भाई के घर क्लेश के कारण अलग रहने लगे। नाम है आपका? ममता कुमारी। जोर से बोलो, कहाँ रहते हैं? जबेदा जबेदी। ससुराल कहाँ है आपके? जबेदा जबेदी। थाना? थाना के लड़का। क्या मामला आपके पति का, पूरी बताओ। मामला ये है, मेरे पति को ना कोई दिक्कत थी ना बीमारी थी, कुछ भी नहीं था, ठीक ठाक थे। फिर मैं डीएलएड कर रही थी, मैं अपने मायके में थी और ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, तो मुझे ससुराल की तरफ से फोन आता कि उसको सर्फ में काट लिया, आप घर पे आ जाओ, हम मेडी सिटी हैं। तो हम घर पे जाते हैं तो हमें बॉडी मिलती है, घर पे बॉडी मिलती है अपने हस्बैंड की, और जो हमने वजह पूछी तो हमसे बोला था कि उनको सर्फ में काट लिया। हम माता जी भी बहुत गंभीरता से कहने लगी, तो हम लोगों ने उसी पर विश्वास कर लिया, और जब हमने मंडी समिति से फाइल डाली थी किसान बीमा की, तब उन्होंने वो एप्लीकेशन लगाई कि वो सर्फ से नहीं कटा, वो उसके बिजली के करंट से मरा है। अब ना पीएम भी नहीं मिलने दिया, ना क्लेम नहीं मिलने दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो मर्डर ही लग रहा है। किस से ऊपर सागर? अब जमीन है, जगह है, जो भी चारों भाइयों ने बांट ली है, मम्मी ने चारों बेटों को दान कर दी, मेरे बेटे को छोड़ दिया। आप लोगों ने दिया? नहीं, तो मेरे हस्बैंड के नाम थी, सिर्फ 2 ही मुझको मिली है 12 बीघे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, लोग हत्या करी ससुराल वालों ने? अब हत्या की हो ना की हो, वजह क्यों नहीं बताई मुझे। अच्छा, नहीं तो आपको क्या लग रहा है, हत्या की है क्या ससुराल वालों, क्या है आपका जो कुछ? अगर कुछ है नहीं तो रीजन से छुपाने का कारण क्या है, मुझे तो सच बताते, क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, क्या हुआ। कितने दिन हो गए मौत को? मौत को बस अगस्त की बात है, 26 अगस्त 2022 में। 2022 में क्या करते थे? खेती करते थे, वैसे ग्रेजुएशन थे। अच्छा, तो खेत पे काटा था, क्या बता रहे हैं? अब बता, तो खेत पे रहते, मुझे तो घर में बॉडी।